बातचीत होने जा रहा है। आज इस वीडियो में सारी राज को खोल कर रख देंगे, तो पहले इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। आपका सभी अनजान मिलेगा कि मनीष कश्यप का आखिर 28 अप्रैल को छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार सरकार के साथ साथ तमिलनाडु सरकार भी झुक चुके हैं मनीष कश्यप का समर्थक के आगे। आखिर समर्थक इस तरह से बौछार मराए हुए सोशल मीडिया पर और तबाही मचाए हुए है। आखिर में मनीष कश्यप का फैन ने दिखा दिया है बिहार सरकार के साथ साथ पूरे इंडिया में भी सबसे नंबर वन पर ट्रेंड करने वाला मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। 28 तारीख को इंतजार किया जा रहा है, मनीष कश्यप को रिहाई के लिए मांग किया जा रहा है, जश्न का तैयारी हो जा रहा है। आप सभी को बता दें कि बिहार सरकार पूरी तरह से परेशानी में डूब चुके हैं और तमिलनाडु सरकार भी तमन बुरी तरह से डूब चुके हैं और यह भी जंगटा कर रहे हैं कि कहां से सबूत पैदा करें और मनीष कश्यप को जेल ही में रहने दें। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एनएसए लगाना, कहीं ना कहीं अपना शासन दिखाना कहीं ना कहीं बड़ी बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था, लेकिन समर्थक द्वारा बहुत सारा अपडेट बताया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 28 तारीख को जश्न की तैयारी होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में जश्न की तैयारी एकदम जरूर से वीडियो को दबाकर शेयर करते रहिएगा और पेज को फॉलो करते रहिएगा। आज हम इस वीडियो में पूरी राज खोलने वाले हैं। आखिर मनीष कश्यप का इतना चलते सोशल मीडिया तो ट्रेंड कर ही रहा है लेकिन पूरे इंडिया में भी चर्चा बना हुआ है। समर्थक ने यह भी कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जिस दिन रोए थे उसी दिन हम समझ गए थे कि हमारा फंसाया गया है, मेरा भाई को और बहुत बुरी तरह से फंसा दिया गया है क्योंकि उसका राज था, उसका शासन था, यूं कुछ भी इंजाम लगा सकता है। लेकिन जब देशद्रोही का इंजाम लगा उस दिन हम लोग बुरे बैठ चुके थे और समझ गए थे हम मनीष भैया के साथ हैं और पूरी बिहार वासी नहीं पूरे हिंदुस्तान वासी मनीष भैया का साथ। बिहार का पहला ऐसा पत्रकार है जो इनको चलते पूजा अर्चना भी किया गया। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह से बौखला चुके हैं समर्थक जो मैं आपको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पहली बार एक बिहार का लाल ने पूरे हिंदुस्तान को सिस्टम को बदल के रख दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे विरोधी लोग हैं जो लगातार मनीष कश्यप को गलत साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन विरोध करने वाला 4% है और सपोर्ट करने वाला करोड़ों लोग है। आखिर करोड़ों लोग उनकी समर्थक क्यों कर रहे हैं? आखिर आप लोगों को सभी को पता होगा कि गरीबों का मसीहा कहलाने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के साथ में एक लोग नहीं है, लोग अब जान देने के लिए भी तैयारी है और अपने खुद जेल जाने के लिए तैयारी है और मनीष कश्यप को रिहाई के लिए मांग किया जा रहा है। आप लोग को सभी को पता होगा कि अनिल कपूर का एक पिक्चर आता है जिसको एक दिन का सीएम बनाया जाता है अनिल कपूर को, वो भी पत्रकार रहते हैं लेकिन वो भी सिस्टम को बदल दिया जाता है और जनता उन्हीं को चुनते हैं। आप सभी को बता दें कि मनीष कश्यप का जेल नहीं बहुत बड़ा तरक्की हुआ है और बिहार सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारे है क्योंकि एक दिन का सीएम बनने के बाद अब मनीष कश्यप का पूरी बिहार की मुख्यमंत्री बनने का सपना जिस तरह से देख रहे थे कुछ लोग, अब मुख्यमंत्री बनाने का सपना अब श्री मनीष कश्यप को बनाया जाएगा। आप लोग सभी को बता दें कि मनीष कश्यप का जनता ने चुनना शुरू कर दिया है, चाहे मनीष कश्यप जिस पार्टी से आएंगे उस पार्टी का जय जय होगा। और मैं आज भी कह रहा हूं चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे कोई भी राज रहे, लेकिन जहां मनीष कश्यप जाएंगे वहां करोड़ों लोग उनकी समर्थक करेंगे, उस पार्टियों को जिताया जाएगा। आप लोग सभी को पता होगा क्योंकि गरीबों का हाल जानते हैं तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है क्योंकि गरीबों का हाल दूसरा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि एक गरीब का बेटा ही बता सकता है कि गरीबी क्या होता है, क्योंकि राज गद्दी वाला भोगने वाले लोग नहीं बता सकता है, क्योंकि गरीब लोग गरीबी जानता है कि गरीबी किस तरह से जूझना पड़ता है और खाने खाने तक मुहताज रहता है, लेकिन अमीर लोग कैसे बता सकेगा कि गरीबी क्या होता है क्योंकि उनके घर में हीटर लगा जाता है, उनके घर में एसी लगा रहता है जो 1200 का मैक लेकर गरीबी लोग भटकता हुआ और किसी माँ की आंसू पोछने वाला सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को इस तरह से जालों में फंसा कर उनको अंदर तो कर दिया जाता है बिहार के सरकार की तरफ से, लेकिन बिहार में रखने के वजह से लेकिन तमिलनाडु सरकार को हवाला कर दिया जाता है एक हमारे बिहार का शेर को। आखिर बिहार सरकार को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे एक बिहार में ऐसा लाल है जो सिस्टम को बदलना चाहता है, क्योंकि विरोध करने के लिए सभी को विरोध करते थे, गरीबों के लिए किसी को नहीं छूनते थे, वो कोई भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उस पर इंजाम भी बहुत से ऐसे पार्टियों को लगा जा रहा है कि उसको दलाल था उसको दलाल है, लेकिन शर्म करो रे लोग, हम मनीष कश्यप का बदनाम करने से पहले अपना झाक लो, अपना खुद का कदम झाक लो, क्योंकि मनीष कश्यप का विरोध नहीं कर रहे हो, क्योंकि पूरी बिहार वासियों के साथ साथ पूरी हिंदुस्तान वासियों को विरोध कर रहे हो जो गरीबी जानता है, क्योंकि गरीबों का मसीहा कराने वाला एक ही लाल है जिसका नाम है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। जितना फंसाने लायक था अब उतना फंसा चुका है, लेकिन अब फंसाने का लायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है जवाब, कहा है कि एनएसए लगाने का मतलब है देशद्रोही का इंजाम लगाना। आखिर मनीष कश्यप कौन
सा देशद्रोही का इंजाम डाले हो, आखिर मनीष कश्यप ने गलत क्या किया है? तो बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, वो फर्जी वीडियो होता है और किसी नेताओं का ये दलाली करता है और किसी नेताओं का एक तरफा वोट करता है और बाकी को विरोध करता है। लेकिन वहां पर जो वीडियो बताया जाता है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को पेज पर देखिए वीडियो, यदि ऐसा वीडियो होता है तो उसको फांसी दे दीजिए मनीष कश्यप का, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो बताइए कि एक साल रखने की जिसमें तानाशाही की सरकार आई थी वो बताइए कहीं ना कहीं गलत करता है कि नहीं करता है, जो गरीबों का भावनाओं को खेलने का कोशिश करता है कि नहीं करता है। आखिर सभी को बिहारी समझते हैं और बिहारवासी क्या हर सरकार समझता है कि हमारे एरिया को सही शांति पूर्वक रहे और हमारे बिहारी लोग कमाने किसी एरिया में नहीं जाए, लेकिन हमारे बिहार सरकार कहते हैं कि आपस में लड़ाने का कोशिश किया जाता है और बिहार के लोग अदर लोग में जाइए कमाइए, वहां मार खा के बिहार में आइए। तो मैं पूरी तरह से बाट लगाने वाला काम यह हो गया क्योंकि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कहते थे कि हमारे बिहारी लोगों को बाहर कमाने के लिए नहीं भेजिए, आप बिहार में रोजगार दीजिए, लेकिन हमारा बिहार सरकार क्या कहती है कि बाहर में जाकर कमाइए और आइए बिहार में मार खा के आइए, क्योंकि बिहारों को फैक्ट्री मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन इस पर लोगों को ध्यान नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं चंद व्यू के लिए, चंद पैसे के लिए हमारा सरकार को भी बड़ाई करते हैं और अपने बिहार को इस तरह से डुबा रहे हैं, आप लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है कि 28 तारीख बहुत ही जल्द आने वाला है, उस 28 तारीख में मनीष कश्यप का समर्थक का बहुत बड़ा जीत होने जा रहा है जिसको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि 28 तारीख के साथ साथ 21 तारीख को आप लोग देखे होंगे किस तरह से हाईकोर्ट ने पूरी तरह से तमिलनाडु सरकार को लतार मारा था और कहा था कि एनएसए लगाया और तानाशाही की सरकार इस तरह से नहीं कीजिए, किसी बेकसूर को इस तरह से फंसाने का कोशिश नहीं कीजिए, कहीं ना कहीं आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब तमिलनाडु सरकार पूरी तरह से होश में आ जाती है और पहचानना शुरू कर देती है, अंधेर नहीं मनीष कश्यप बाहर आएंगे तब पता चलेगा बिहार सरकार के साथ साथ उस विरोधियों लोगों को, जो विरोधी उनकी जेल जाने से इतना खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा देशद्रोही था मनीष कश्यप। मैं कहना चाहता हूं उस लोगों को कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का छवि का नहीं, पूरे बिहार वासियों को और पूरे मनीष कश्यप का समर्थक का दिल का ठेस पहुंचाने वाला कार्यक्रम किया है, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इंसाफ होगा, क्योंकि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों का आधा पैसा अपना डोनेट करता था और आधा पैसा को कुछ गुजारा करते थे। अब मैं पूछना चाहता हूं उस लोगों को, यदि भ्रष्टाचार मनीष कश्यप रहता, यदि मनीष कश्यप दलाली करता, यदि मनीष कश्यप ऐसा घुसखोरी करता तो आज के डेट में उनकी लखपति रहते और करोड़पति रहते। आप सभी को पता होगा कि मनीष कश्यप का लाखों और मिलियन में व्यू जाने वाले, क्योंकि हमेशा वो वीडियो डालते थे तो हमेशा ट्रेंडिंग में वीडियो डालने वाले जाने वाला उस लड़का के पास क्या पैसा का कमी रहता। 28 तारीख को बिहार भेजना पड़ेगा मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार को, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा रिमांड पे दे दिया था। आप लोग को सभी को पता होगा कि 21 तारीख को जिस तरह से सुनवाई हो रहा जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ न्यूज वाले बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप का परेशानी बढ़ने वाला है, क्योंकि उस परेशानी को बहुत सारे से फेक न्यूज बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान देते हैं तो खाली मनीष कश्यप पर देते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप पहला ऐसा स्टार था, स्टारे कहेंगे क्योंकि स्टारों से भी ज्यादा स्टार चाहने वाले, क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति है जहां कौन कोना में जाइए वहां सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का फैन निकलेगा और चाहने वाले निकलेगा। आखिर मनीष कश्यप का अच्छा काम है की वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप अच्छा काम नहीं करता तो लोग इतना समर्थक नहीं देता, क्योंकि समर्थक ऐसे नहीं दिया जाता है। आज के डेट में अपना काम धाम छोड़कर किसी के लोग को इतना समर्थक क्यों करे? आखिर मनीष कश्यप ने गरीबों के लिए क्या किया था, उस लोगों को लिए क्या किया था जो आज सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं और कह रहे हैं बिहार सरकार बहुत बड़ा गलती किया है मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता है जिसका देश का गुदून हो, जिसका देश में रग रग का भरा हो, वो व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता। आखिर बिहार सरकार किस तरह से मनीष कश्यप को गिरफ्तारी किए थे, उसी दिन से करोड़ों वोट उनकी गवा दिए थे, क्योंकि बिहार सरकार भी समझती थी कि मनीष कश्यप का चाहने वाला बहुत लाखों करोड़ों में है, उनको हम बेवकूफ बना देंगे, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो गई और तमिलनाडु सरकार को हवाले दे दिया। आप सभी को पता होगा कि हमारे बिहार सरकार और हमारे तमिलनाडु सरकार दोनों केक काटने का सिलसिला चलते रहता है, वहां बिहारी लोग जब मार खाते हैं उस समय सरकार से सवाल पूछना चाहिए हमारा सरकार को, लेकिन सवाल नहीं पूछते हैं, और हमारा मनीष भैया जब सवाल पूछते हैं तो उनको केस कर एनएसए लगा दिया जाता है,
जानवे करते हैं कि सबसे ज्यादा गिनती भी नहीं कर पाइएगा कि कितना केस लादा गया है मनीष कश्यप पर। आखिर अत्याचार क्यों साहब? मैं पूछना चाहता हूँ उस सिस्टम से, उस जवानों से पूछना चाहता हूँ, उस लोगों से पूछना चाहता हूँ जो मनीष भैया को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। साहब एक मनीष कश्यप को जेल भेजे हैं, लेकिन लाखों करोड़ मनीष कश्यप आपको सोशल मीडिया पर जानकारी मनाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि रिहा करो मनीष कश्यप को रिहा करो। लेकिन आप तो रिहा नहीं करने की जरिए में आप लोग को बता दें कि मनीष कश्यप को केस लड़ते लड़ते उनकी अब जमीन बिक रहा है, जमीनों बिकने का आपूर्ण आ गया है, आप लोग को सभी को पता होगा। ठीक है, आप मनीष कश्यप को बर्बाद कर दिए, लेकिन साहब उनकी चाहने वाला इतना लोग है, यदि एक एक 100 रुपया भी मांगना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया पर तो सोचिए साहब उनके पास कितना रुपया आ जाएगा और फिर से वही रुतबा में आएंगे और वही रुतबा में काम करेंगे। आप सबसे बता दें कि मनीष कश्यप का माँ अभी भी कह रही है कि मनीष कश्यप को वापस नहीं जाए देंगे, क्योंकि उनके लोग इतना समर्थक जिस तरह से सोशल मीडिया पर करते थे उस तरह से उनको मदद कोई नहीं किया जाता है। लेकिन मैं उस माओ को कहना चाहता हूं कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार परेशान कर सकती है लेकिन प्रजाति नहीं कर सकती। आखिर करोड़ों लोगों को दिल से खेलने का कोशिश किया है बिहार सरकार, इसकी जवाब तो 2024 में मिलेगा, क्योंकि 2024 के मिल में उनकी बहुत ही बड़े हार होने जा रहा है बिहार सरकार को। आखिर मेहनत का सबका कहा हुआ बात एक अक्स साबित होगा और 180 दिन में क्या, आज से 90 दिन इंतजार कीजिए। अभी तुरंत पता चल रहा है कि बिहार सरकार पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है, क्योंकि हमारे नीतीश चाचा जो हैं हमारा कास्ट का भी है, आज मैं उनको खोर विरोध करता हूं, आज से हम भी वोट नहीं दूंगा और जितना भी नीतीश कुमार का जात है चाहे कुशवाहा कोयरी भाई है वो नहीं कुछ को वोट देने जा रहा है, नीतीश चाचा का बोलने जा रहा हूं, वो हमारा जात भी है हमारा समाज भी है, हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक भगवान को एक शेर को बिहार का गरीबों का मसीहा को उनको जेल अंदर करने का कोशिश किए हैं। आप सभी को बता दें कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी का वोट दिए थे क्योंकि बिहार में बहुत अच्छा राज चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया नीतीश चाचा को जो हमारा इस तरह से किसी बिहार को सौंप दिए हैं और वो बिहार को बर्बाद कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि किस तरह से हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है, क्योंकि नीतीश चाचा को जिस तरह से 3 बार से जिताया जा रहा था, लेकिन हर कोई जाति उनको वोट दे रहा था, लेकिन नीतीश चाचा को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, लेकिन अब नीतीश चाचा को प्रधानमंत्री बनने का भूल जाइए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी आप नहीं बन पाइएगा, क्योंकि मनीष कश्यप का जितना भी रोया हुआ आंसू है और जितना भी गरीबों का कलहटा हुआ आवाज है सब आपको असर करेगा साहब। लेकिन साहब एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बिहार में जातिवादी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि फलाने जाति का है तो फलाने वोट देगा फलानी जाति का, ठीक है मानते हैं, लेकिन मैं जात हूं नीतीश चाचा का, लेकिन आज मैं उनको एक भी वोट देने के लिए राजी कोई भी समाज नहीं कह रहा है। आखिर हमारा बिहार को किस तरह से किसी और के ऊपर सौंप देते हैं, वो बर्बाद पूरे बिहार को बर्बाद कर देता है और इस तरह से बिहार को बर्बाद कर रहा है, आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इंसाफ हो सकता है, मनीष कश्यप के साथ में इंसाफ होगा, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा और एक दिन का सीएम बिहार में बनेंगे मनीष कश्यप, चाहे आज बने चाहे कल बने, एक क्योंकि जनता का पुकार है और मनीष कश्यप निर्दोष है, क्योंकि वकीलों द्वारा कहा गया है कि जितना भी सबूत पेश किया जा रहा है कहीं ना कहीं जज साहब को आंसू गिर जा रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं तानाशाही की सरकार ने इसको फंसा दिया है। एपी सिंह तो पूरी तरह से बिहार सरकार को और तमिलनाडु सरकार को पोल खोल दिए थे, आप लोग भी बढ़िया से देखे होंगे, लेकिन भाई साहब आपको इसी तरह से मनीष कश्यप का समर्थक में बनाने रहना है और सपोर्ट बनेले रहना है। बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मनीष कश्यप 28 तारीख को बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाला है। बाकी इस वीडियो को दबाकर शेयर, कश्यप का समर्थक न झुका है और न झुकेगा, मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगाइए, आप लोग कमेंट में रिहाई जरूर लिखिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, जन जन के पास पहुंचा दीजिए। जय हिंद।